एमआई की 32 इंच एलईडी आप पा सकते हैं सिर्फ 7,000 रुपए में और गोदरेज की सिंगल डोर फ्रिज आप पा सकते हैं सिर्फ 8,000 रुपए में। चौंकिए मत, ये सब पॉसिबल है क्योंकि कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स चला रहे हैं 50% कैशबैक ऑफर जिसका नाम है 10 का दम। जी हाँ, उल्लासनगर के टिल्सन मार्केट में स्थित कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पा सकते हैं सभी ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे कम दाम और साथ ही आपको मिलेंगे 0% फाइनेंस ऑप्शन भी। तो आज ही आइए कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स उल्लासनगर। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर में एमएमआरडी की तरफ से मंजूर 7 सड़कों के संदर्भ में विधायक कुमार एलानी ने अपने कार्यालय में एमएमआरडीए, पीडब्ल्यूडी, वाटर सप्लाई विभाग आदि संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक बुलाई थी। इस संदर्भ में विधायक कुमार एलानी ने पत्रकारों को जानकारी दी। देखिए, शहर में काफी टाइम से रोडों की हालत बहुत खराब है। काफी सारी कंप्लेंट्स रोडों के बारे में आ रही थी कि शहर की जितने भी रस्ते हैं मानसून में इतने डैमेज हो चुके जो आम जनता को चलने के लिए भारी पड़ रहा है। काफी जगह पे एक्सीडेंट हुए, कोई खड्डे में गिर गए। आज हम रोज देखते देखते हम भी खुद परेशान थे कि इसका कुछ न कुछ हल निकाला जाए। अभी हाल ही में मानसून बंद हुआ है तो मैंने कल मीटिंग ली जिसमें हमने 7 रोड का जो भूमि पूजन किया था, जो सीमेंट कंक्रीटीकरण के बनने वाले हैं, उन रोडों का काम इसकी वजह से चालू नहीं हुआ क्योंकि उसमें अंडरग्राउंड का ड्रेनेज का हम लोगों ने एक टेंडर निकाला हुआ था, जो टेंडर सेंक्शन हो गया। अभी उल्लासनगर में जितने भी नए रोड बनेंगे उसके नीचे पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम होगा, जो 425 करोड़ रुपए का है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज पूरे उल्लासनगर में नया बनेगा। उसके सिवाय 125 करोड़ रुपए का एक वाटर सप्लाई का टेंडर निकला है जो अभी एक फाइनल स्टेज पे है, लेकिन जो अंडरग्राउंड का अभी ड्रेनेज का ऑर्डर हुआ उन लोगों को भी मैंने कल बुलाया था, एमएमआरडी वालों को भी बुलाया था, सिटी इंजीनियर, टाउन प्लानिंग, सभी डिपार्टमेंट के वाटर सप्लाई के इंजीनियर्स सभी को कल मैंने बुला के मीटिंग लिया कि अभी मानसून खलास हो गई, इमीडिएटली नवरात्रि के पहले अपना काम, रोडों का काम शुरू होना चाहिए। सभी लोग ने माना कि नहीं, हाँ वाकई कंप्लेंट्स बहुत है, तो मैंने उनको बहुत फायरिंग भी की कि इस तरीके से शहर में रोडों का काम, बाकी जगह पे कल्याण, थाना, बम्बई सभी जगह पे रोडों का काम शुरू हो गया है, उल्लासनगर में रोडों का काम शुरू नहीं हुआ है। तो इमीडिएटली उनको कहा गया कि पाटोल्स का काम पहले वार फुटिंग पे किया जाए, जहां पर शहर में जितने भी खड्डे हैं वहां पे उनको खड्डे पूरा बंद करके उनको लेवलिंग करके उनको सरफेस एकदम क्लीन किया जाए, भले टेंडर जो कम है उसको बढ़ाया जाए। उसके अलावा जो रामायण नगर का रोड जिसका वर्क ऑर्डर भी निकला हुआ है वो काफी टाइम से काम बंद पड़ा था, काम शुरू नहीं हुआ था क्योंकि उसके कारण की वजह से वो रोड डीपी के हिसाब से बनाना चाहिए ऐसा कमिश्नर का कहना था, लेकिन वहां पे कुछ बिल्डिंग्स की अड़चन आ रही है जिसके वजह से वो रोड का काम शुरू, जिनको भी टेंडर दिया हुआ है वो शुरू नहीं कर रहे थे। मैंने उनको कहा अभी जितनी फिलहाल जगह मिल रही है उतना काम चालू कर दीजिए रामायण नगर का, उसके बाद में अपन देखेंगे कि टेंडर में जो भी आगे पीछे होगा वो करेंगे। तो वो भी कल मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि इमीडिएटली वो काम शुरू कर दीजिए। प्लस जो 7 रोड सीमेंट के हैं वो भी इस तरीके से हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी रोड फ्रॉम नेताजी चौक कैलाश कॉलोनी वाया कैम्प नंबर उल्लासनगर 4, एक ये रोड है जो सीमेंट का बनेगा, उसके अंडर अंडरग्राउंड ड्रेनेज होगी और दोनों बाजू नालियां वगैरह बनेंगे, एकदम सुंदर कंक्रीटीकरण का रोड होगा। दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी रोड फ्रॉम न्यू इंग्लिश स्कूल टू लाल चक्की चौक वाया पेट्रोल पंप एंड हिल लाइन पुलिस स्टेशन, ये दोनों 5 नंबर के रोड है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी रोड फ्रॉम ए ब्लॉक टू साईं बाबा टेम्पल वाया डॉल्फिन क्लब टू सेंचुरी ग्राउंड टू गुरुद्वारा उल्लासनगर। ये डॉल्फिन क्लब जो साईं बाबा मंदिर के पीछे का रोड है वो पूरा सीमेंट कंक्रीटीकरण का बनेगा जिसमें भी दोनों बाजू नालियां और अंडरग्राउंड ड्रेनेज होगी। चौथा रोड है कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी रोड फ्रॉम सोनारा चौक टू जो 4 नंबर में हरीश किसानी के ऑफिस में जैन स्कूल है उसके बाजू में से लेके उल्लास स्टेशन तक वो रोड है एक चौथा।
कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी रोड फ्रॉम हीरागढ़ टेम्पल टू डर्बी होटल, जो अंदर का रास्ता है हीरागढ़ से लेके अंदर डर्बी होटल तक अंदर, वो भी एक रोड डैमेज है, उसका भी इमीडिएटली 2-3 दिन में काम शुरू हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी रोड फ्रॉम हीरागढ़ डर्बी होटल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी रोड फ्रॉम श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक टू शांति नगर वाया विठलवाड़ी रेलवे स्टेशन, जो पवाई अंदर का रोड है जो विठलवाड़ी स्टेशन से लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी हीरागढ़ के जो पैरेलल में रोड आता है, ये वो रोड है। उसके अलावा रामायण नगर का हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी रोड फ्रॉम वाको कंपाउंड टू वीनस चौक विथ बोथ साइड वाटर ड्रेनेज बनाने का, इस तरीके से ये रोडों का अभी ये काम शुरू होगा। उसके अलावा मेरे और 100 करोड़ के रोड जो 1, 2, 3 के मेरे दिए हुए हैं, वो कभी भी सेंक्शन के लिए 1.5-2 महीने में आ जाएंगे। हमारा पूरा प्रयास है उल्लासनगर में सभी रोड सीमर कांक्रीकरण के बनने चाहिए। ये जो डाम देखिए, इस वक्त जो कंडीशन है, अभी 120 फुट का जो रोड है, देखिए अभी तक जो उल्लासनगर की स्थिति है उसको देखते हुए हम रोड का काम कर रहे हैं। आगे चल के जो भी एक पॉलिसी बनेगी, वो पॉलिसी के हिसाब से, अभी कोई नगर सेवक नहीं है, अभी कोई बॉडी नहीं है, ये डिसीजन कोई मेजर डिसीजन है किसमें, देखिए हमारे उल्लासनगर का ढांचा आपको खुद मालूम है। यहाँ पे उल्लासनगर में पिछले 8-10 साल पहले कमिश्नर आए थे जिन्होंने ये वार फुटिंग पे काम लिया था, लेकिन हमारे उल्लासनगर के बिल्डिंग की जो अड़चन है, आज आपको मालूम होगा कल्याण अंबरनाथ रोड किस अड़चन में गुजरा है, जिनके दुकान गए हैं 100%, उनको अभी तक दुकानें नहीं मिले हैं, जिनके कुछ गए हैं चलो उनको हमने बोला चलो ऊपर उठा दीजिए, आज जिनके पूरे मकान जा रहे हैं, हमारे पास अल्टरनेटिव जगह नहीं है देने की। हम किसी को सुखी करके दूसरे को दुखी भी नहीं कर सकते, हम उसका अल्टरनेटिव ढूंढ के निकाल रहे हैं कि किस तरीके से जो बिल्डिंग्स है, आज बिल्डिंग की आधी बिल्डिंग चली जाएगी तो बाकी बचेगा नहीं। आज डॉल्फिन क्लब का रोड जो है एकदम बड़ा रोड है, वो बरोबर हो रहा है, काफी सारे रास्ते जो हमने लिए हैं 1-2-5 फुट की वजह से हम किसी को परेशान भी नहीं कर सकते। हमारा पूरा प्रयास है कि जहां पे एकदम जरूरत है वो बॉडी आएगी, कमिश्नर आएंगे तो सभी लोग शहर वाले मिलके डिसीजन लेंगे, किसी का नुकसान भी ना हो और शहर का काम भी चलते रहे। सर जो डॉल्फिन आप रोड बोले वो लिंक रोड है, मतलब शहर का बहुत बड़ा, अच्छा मतलब बाहर से बंदर आएगा तो उधर से निकल जाएगा, और 120 फुट रोड होने के बाद में 100 के अंदर ही बना जा रहा है। देखिए करीबन वहां पे 100 फुट रोड मिल रहा है, 100 फुट उल्लासनगर के लिए हमारे लिए ठीक है, क्योंकि आप बोलेंगे 120 हो, आज धोबी घाट पे 120 है डीपी में, 120 फुट हम अगर तोड़ेंगे तो कितने मकान जाएंगे, कितने दुकान जाएंगे, कितने आदमी लोग बेघर हो जाएंगे, हमें हर चीज सोचनी है। इसका मतलब ये नहीं कि डीपी में है तो उतना ही हम करें, थोड़ा उनका भी साथ थोड़ा अपना साथ, और किस तरीके से शहर में सुख शांति हो, किसी का नुकसान भी ना हो, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव जगह नहीं है, दूसरे शहरों में उनको अल्टरनेटिव जगह देने के लिए है, हमारे शहर में ऐसी पोजीशन नहीं है जो हमारे पास खुद की लैंड हो या हमारे पास जगह हो तो हम उनको एडजस्ट कर सके। ये देखिए मेरे हिसाब से मैंने उनको जो कल इंस्ट्रक्शन दिया, जिस तरीके से अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम होते रहेगा, 1-1.5 महीने में 100 मीटर रोड हो जाएगा, 100-100 मीटर करके वो बढ़ते जाएंगे डेली, 15-15 दिन में फिर आगे स्पीड बढ़ते जाएगी। मेरा पूरा प्रयास है कि 6-8 महीने के अंदर रोड बनने चाहिए, क्योंकि एक साइड भी चालू हो गई, हम प्रयास करें जितने भी रोड है उसकी एक साइड 4 महीने के अंदर चालू हो जावे, दूसरी साइड जो है 4 महीने के अंदर चालू हो जावे, फिनिशिंग 8-10 महीने के अंदर पूरी हो जावे। कुमार सर, इसमें देखा गया है कि रोड बनने के बाद उसको वापस साइड से बनाया जाता है, जियो का पाइप डालो कुछ भी डालो, तो उसके लिए किस तरह से बंदोबस्त किया जाए? अभी इसमें देखिए पहली बात तो साइड में उन लोग प्रोविजन छोड़ेंगे, सर्विस लाइन छोड़ेंगे, कि जैसे खुदाई वगैरह होती है जो रिलायंस वाले आते हैं कभी खोदते हैं साइड से, या कभी पानी की लाइनें आती है, इसमें सब चीजें एज पर लीगली नाम्स के हिसाब से MMRDA के रूल्स के हिसाब से होगा, उसमें सर्विस लाइन साइड की लाइन, और इसमें कंसल्टेंट अपॉइंट किए हुए हैं सारे रोडों के लिए, कंसल्टेंट है जिस तरीके से इंटीरियर डेकोर है सिविल का किसका कंसल्टेंट रहता है, इसी
इसी में रोडों के लिए कंसल्टेंट है वो जिस हिसाब से कहेंगे कि आगे चल के हमें तकलीफ ना हो। कुमार सर, अभी जो रोड बन चुके हैं जैसे आपके ऑफिस के सामने, तो इसमें ड्रेनेज लाइन का भी काम कैसे होगा? देखिए, कुछ रोड जो बन चुके हैं उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, कुछ रोड जो नए नए बने थे उसमें कुछ लाइन में पाइप डाले भी थे, जिसमें नहीं डाले हैं उसमें हमें खोद के वापस से उसको कवर करना ही पड़ेगा, वो हमें दूसरा कोई अल्टरनेटिव है नहीं, क्योंकि ये शहर में हमारा अंडरग्राउंड है 30-40 साल पहले का डाला हुआ है, उस टाइम की पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन में बहुत फर्क है। हम चाहते हैं कि ये सब पूरे शहर में जो नए रोड बनेंगे उसके पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनना जरूरी है। ओके, दिस फेस्टिव सीजन मीट ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स। क्रिस्टल फाइनेंस व अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, इंस्टेंट डिस्बर्सल, इजी हैसल फ्री प्रोसेस, डोर स्टेप प्रोसेस, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। कॉन्टैक्ट अस टुडे फॉर पर्सनल लोन ऑफर।